हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और आज हो गया है हमारा डे टू स्टार्ट। हमारा नहीं, मेरा, आपका तो डे वन होगा आज, और अगर आप कर रहे हो तो। और अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं अभी सुबह से। मैंने मतलब कितना 9:30 बजे तो मैं उठी थी, तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह से मैंने मेरा पानी पिया। वैसे ही मैं 1 घंटा वेट करती थी पानी पीने के बाद में, लेमन वाटर पिया, फिर उसके बाद और थोड़ा सा ऐसे ही सादा पानी 1 ग्लास पिया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उस टाइम पे मैं कम से कम 1.5 लीटर पानी पी लूँ। तो मैं 1.5 लीटर तो नहीं, शायद 1 लीटर शायद पी लिया होगा। और अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए ओट्स का चीला, ओट्स चीला बोल सकते हैं, डोसा बोलते हैं, जो भी है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच ओट्स लिया है, ये 2 चम्मच मैंने इसमें ओट्स लिया है, और 2 चम्मच सूजी लिया है, और 1 चम्मच इसमें मैंने पोहा डाल दिया और इसको पीस दिया था। इसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्ची एंड थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और अभी मैं बना रही हूँ चटनी, तो मैंने फर्स्ट मील में कुछ भी नहीं लिया है अभी तक, ये ले रही हूँ मैं। कोकोनट की चटनी बनाई थी तो ये ले लिया, क्योंकि रात को बादाम भिगाना भी भूल गई थी मैं उसके लिए। ठीक है, पहले ये बना लो, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मेरे डोसे रेडी हो गए हैं, ये है, मैंने 2 लिए हैं, और ये ऐसे क्रिस्पी नहीं बने हैं, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं और थोड़े मोटे भी हैं। और ये मेरे पास ग्रीन चटनी था, उसमें मैंने नारियल पीस दिया है, उसमें डाल के मैंने मिक्स कर डाला। और अच्छा है, उसकी का टेस्ट आ रहा है, डोसे जैसे ही आ रहा है, वो थोड़ा क्रिस्पी रहता है, ये थोड़ा सॉफ्ट है। ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे, घर पे कोई आया है। बाय हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई थी मेरी लंच प्लेट लेके, और पता नहीं ये 11 बजे जो मैं ये खा रही हूँ ना, मेरा जो नाश्ता मैं 11 बजे सुबह में ले रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी जो है भूखी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी भी देखो कितना टाइम हो गया है, अभी भी 2:15 हो गया, और ऐसा नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बस लग रही है लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा लग ही नहीं रही है। और इसमें क्या है कि अभी मुझे रात को भी जल्दी खाना है, और अभी खाऊंगी तो फिर फुल हो जाएगा पेट, तो वही टेंशन में हूँ क्या करूँ मैं, कि ये हफ्ता तो मैं कर ही रही हूँ ये 16 घंटे वाला, अगले हफ्ते से सोच रही हूँ मैं शायद टाइम बढ़ाऊँगी, तब जाके जो है सीधा ब्रेकफास्ट जो है स्किप हो जाएगा, सीधा लंच करूँगी, और 1 बजे लंच कर लेंगे तो फिर शाम में भूख लगेगी इसके लिए। और मैं रात को आपको बता रही थी मटन बन रहा है, लेकिन मैं मटन नहीं खाऊंगी, मैं मेरा कल दोपहर का पनीर पालक पनीर ही खा गया था मैंने रात को डिनर में, और अभी रात का जो मटन था वो मैं अभी लेके आई हूँ, वो अभी खा रही हूँ। और बच्चे लोग ने मैगी खाया, उन लोग को मैगी खाना था तो उनको मैगी बना के दिया, चावल मेरे लिए क्या बनाती मैं रोटी बनाने का मन नहीं था तो मैंने 2 ब्रेड ले लिए, ब्राउन ब्रेड। ठीक है, ये मैं खा लेती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मील में। टेस्टी है, मैं आ गई हूँ मेरी कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी पीने के लिए 5 बज रहे, कॉफ़ी पी रही हूँ मैं, वही गुड़ वाली कॉफ़ी। अभी तो ऐसा है कि गुड़ वाली कॉफ़ी ही मुझे टेस्टी लग रही है, गुड़ वाली कॉफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अभी मैं मेरा कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मेरा डिनर करने के लिए, और डिनर में मैंने लिया है दाल, आज सैलेड नहीं था, दोपहर में भी नहीं लिया था और अभी भी नहीं है, कल लेके आऊँगी इसके लिए मैंने अभी इसमें चावल भी नहीं डाला। और रात में भी जो मैं है पपाया इसके नहीं ले रही हूँ, कि अभी मैंने अगर पपाया खाया 7 बजे तो फिर कल 11 मुझे मुश्किल हो जाएगा कल का जो 11 का टाइम है ना वो मुझे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन तो 11 बजे मतलब अभी दूसरा ही दिन था आज, 11 तो आसानी से टाइम आ जाता है, लेकिन अगर मैं जल्दी उठूँगी, अगर उठी सुबह में जल्दी उठने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अभी मौसम यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है, जैसे गाँव में ठंडी नहीं होती है वैसा मौसम हो रहा है, कि भाई लिहाफ ओढ़ा और पड़े रहे
एकदम मस्त जो है एकदम कम्बल वम्बल ओढ़ा और पड़े रहे और उठने का मन ही नहीं हो रहा है। तो अभी भी मेरे साथ में भी ऐसी होता है कि सुबह में मेरा जैसे सोचती हूँ रोज यही कि मुझे उठना है जल्दी, लेकिन फिर जब सुबह होती है 7:30-8:30 सुबह भी सलमानी साहब ने मुझे उठाया था 8 बजे, लेकिन वो भी उठा के वापस हो गए और मैं भी वापस हो गई। फिर मैं उठी 9:30 को, सुबह 9:30 को मैं उठी थी और फिर वही आधा पौना घंटा जो है पानी वानी पी के ये सब, तो फिर मुझे पता भी नहीं चला कि 11 कब बज गए। और सुबह में उठते तो फिर वो मालूम पड़ता है कि हाँ 11 नाश्ते का, जब हम लोग को नाश्ता नहीं मिलेगा सुबह में तो फिर असर भी करेगी ना डाइटिंग, ऐसा है क्योंकि भूख लगनी ज़रूरी है उसमें, तो कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठने की। सोते सोते क्या पता चलेगा, तो रात को मुझे भूख लग रही थी सोने के टाइम पर। रात को क्या लिया था मैंने, पालक पनीर और एक रोटी लिया था, लेकिन 7 बजे ले लिया था। इसमें ये अच्छा है कि 7 बजे से बाद में नहीं खाना है, 7 बजे ही खाना है। वो खाया था लेकिन सोने में बहुत लेट हो गया था, रात में जो नींद ही नहीं आ रही थी, 1 बजे लेटी तो थी मैं, लेट गई बिस्तर पे आ गई थी 1 बजे। वैसे तो हम लोग अभी जल्दी सो रहे थे लेकिन अभी वापस से वही टाइम होता जा रहा है, तो अभी 1 बजे मैं लेट गई यहाँ पे आके और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। 2 बज गए, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, और सुबह उठी मैं वही 9:30 को, तो इसके लिए मुझे भूख भी लग रही थी, शायद भूख की वजह से भी नींद नहीं आ रही, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं ऐसा। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो हमने अभी शुरू किया है उसमें बस यही है कि खाने के जो हमारे टाइम है वो फिक्स हो जाते हैं, जिसमें मेरा अभी दोपहर का फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैं जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो 11 बजे कर रही हूँ और उसके बाद मुझे भूख नहीं लग रही है। तो सोच रही हूँ कि मैं अभी कल से ना कुछ फ्रूट्स ले लूँगी, जो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है उसमें से फ्रूट ही ले लूँगी और कुछ नाश्ता कुछ हैवी नहीं करूँगी। अगर मन हुआ तो कर लूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, फिर ऐसे ही रहने दूँगी कि मैं फिर सीधा एक कोई फ्रूट्स खा के और सीधा लंच कर लूँ। ठीक है, अभी मैं ये खा लेती हूँ, बहुत बात कर ली मैंने आपसे। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, बताइए कि आपको कैसा जा रहा है, क्या और कितने घंटे की आप कर रहे हो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करो, बताना कि आपने स्टार्ट की है कि नहीं की है, और की है तो कितने घंटे की है और कैसा जा रहा है आपका, प्लीज़ बताइए। तब अब मिलती हूँ कल, आज होता है मेरा डे टू पूरा, आज डे टू है, कल डे वन था, आज डे टू, अब ये होता है मेरा डे टू पूरा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।